हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कीट नियंत्रण के मैकेनिकल और केमिकल मेथड्स के बारे में, दैट मीन्स मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल के बारे में। यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस और मैनुअल फोर्सेस फॉर डिस्ट्रक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मेथड्स। दैट मीन्स हम किसी प्रकार के मशीन्स का, मैकेनिकल डिवाइस का या फिर ह्यूमन फोर्स का, मैनुअल फोर्स का यूज़ करके अगर पेस्ट का कंट्रोल करते हैं तो उसको मैकेनिकल कंट्रोल मेथड कहा जाता है। जस्ट लाइक हैंड पिकिंग, नेटिंग या ट्रैपिंग एट्सेट्रा। देन सबसे पहले मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मैकेनिकल जो कंट्रोल होता है ये दो टाइप से किया जा सकता है, या तो डिस्ट्रक्शन, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन या फिर मैकेनिकल एक्सक्लूजन। तो मैकेनिकल सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन के बारे में। डिस्ट्रक्शन दैट मीन्स उनको मारना। तो मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन में हम दो तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट है मैनुअल फोर्स और दूसरा है किसी डिवाइस के थ्रू या फिर मैकेनिकल फोर्स के थ्रू। तो फर्स्ट हम मैनुअल फोर्स के बारे में बात करते हैं। मैनुअल फोर्स में हम कुछ ह्यूमंस के द्वारा या कुछ मैनुअल फोर्स का यूज़ करके, जस्ट लाइक हैंड पिकिंग या बीटिंग, सीविंग एट्सेट्रा, इस सारे तरीकों का यूज़ करके हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं। इसमें हाथ से पकड़ के कीटों को मारा जाता है या फिर बीटिंग कर पकड़ के पटक के उनको मार सकते हैं, या फिर सेविंग, सेविंग दैट मीन्स किसी भी दानेदार किसी भी अनाज को साइव के थ्रू हम सेविंग कर सकते हैं, या फिर विनोइंग, विनोइंग मेनली राइस वेविल के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। नेक्स्ट है शेकिंग द प्लांट, शेकिंग द प्लांट दैट मीन्स प्लांट को शेक करना या फिर प्लांट के ऊपर इन्फेस्टेड इंसेक्ट्स को, प्लांट के ऊपर जो पहले से स्टेबलाइज्ड इंसेक्ट है उनको प्लांट से नीचे गिराना। जस्ट लाइक धान के खेत में चैनिंग की जाती है, रोप पासिंग, पासिंग ऑफ रोप अक्रॉस राइस फील्ड टू डिसलॉक कैश वॉर्म, क्योंकि कैश वॉर्म जो है वो राइस के लीफ के ऊपर रहते हैं और लीफ को काटते हैं। तो चैनिंग किया जाता है या फिर रोप पासिंग की जाती है, ये इस प्रकार से सेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुकिंग, आयरन हुक इज़ यूज अगेंस्ट एडल्ट राइनोसरस बीटल। राइनोसरस बीटल जो होते हैं वो पेड़ में, पेड़ के तने में छेद कर अंदर घुस जाते हैं। ये कोकोनट ट्री में, कोकोनट ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कोकोनट ट्री के तने के अंदर घुस जाते हैं, जिसको हम किसी भी केमिकल के थ्रू नहीं मार सकते, केमिकल के थ्रू मार पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए हम आयरन हुक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रशिंग या कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग, इस प्रकार से हम मैकेनिकल फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स, अभी हम बात करते हैं मैनुअल फोर्स की, अब मैकेनिकल फोर्स के बारे में बताएं। तो मैकेनिकल फोर्स में हम कई प्रकार के मशीन्स का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक इंटोलेटर। इंटोलेटर एक प्रकार का फनल टाइप इंसेक्ट, फनल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इंसेक्ट को कैच कर उनको मारा जाता है। नेक्स्ट है हॉपर डोजर, हॉपर डोजर एक बड़ी ट्रैक्टर बेस्ड मशीन होता है जिसमें बड़े खाई खोदकर मिट्टी को, एक खेत के मिट्टी को दूसरे खेत में पलट दिया जाता है। इस पद्धति से जो लोकस्ट के निम्फ हैं जो उड़ नहीं सकते उनको ट्रेंचिंग के द्वारा या हॉपर डोजर के द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिलेज इम्प्लीमेंट्स, टिलेज इम्प्लीमेंट्स दैट मीन्स प्लोइंग, प्लो या कल्टिवेटर, इसमें डीप समर प्लोइंग या फिर विंटर प्लोइंग हम कर सकते हैं, जिससे रेड हेरिकेटर प्लेयर या फिर बिहार हेरिकेटर प्लेयर से उनका कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल ट्रैप, मैकेनिकल ट्रैप जिसमें हम अलग अलग प्रकार के ट्रैप्स का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक रैट ट्रैप और तंजोर बो ट्रैप। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल एक्सक्लूजन, मैकेनिकल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन दैट मीन्स किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को हमारे प्रोडक्ट से, प्लांट प्रोडक्ट से दूर रखना। मैकेनिकल एक्सक्लूजन में हम इस प्रकार से मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि इंसेक्ट या पेस्ट जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स तक पहुंच ही ना सकें या फिर उनको नुकसान ना पहुंचा सकें, जस्ट लाइक रैपिंग ऑफ फ्रूट्स या फिर बैरियर्स।
तो इसमें हम यूज़ करते हैं सबसे पहले रैपिंग ऑफ फ्रूट्स। रैपिंग ऑफ फ्रूट्स में हम फ्रूट्स को किसी पॉलीथीन के थ्रू या किसी कवर से, पॉली बैग से हम ढक देते हैं, उनको रैप कर देते हैं, जस्ट लाइक पोमग्रेनेट फ्रूट को। पोमग्रेनेट फ्रूट बोरर से बचाने के लिए पॉलीथीन बैग से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट है बैंडिंग। बैंडिंग में हम किसी भी प्लांट की शूट को ग्रीस या फिर पॉलीथीन सीट से बैंड कर देते हैं, ढक देते हैं, जस्ट लाइक मैंगो ट्री के तने पे, उसके शूट पे ग्रीसिंग कर दिया जाता है, जिससे कि मेली बग से बचा जा सके। नेक्स्ट है नेटिंग। नेटिंग जस्ट लाइक मॉस्किटो नेट्स, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ग्रीन हाउस में। नेक्स्ट है ट्रेंचिंग, जिसमें हम खेत के चारों तरफ गड्ढे खाई खोद देते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट है एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर ट्रांसमिट ना हो सके। नेक्स्ट है सैंड बैरियर, देन वाटर बैरियर। वाटर बैरियर का यूज़ मेनली हम आर्मी वॉर्म के लिए करते हैं। देन टीन बैरियर। टीन बैरियर का यूज़ हम कोकोनट ट्री या फिर पाम ट्री या किसी ट्री वाले प्लांट में, ट्री वाले क्रॉप में हम रोडेंट से बचने के लिए करते हैं, चूहे या फिर गिलहरियाँ से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इलेक्ट्रिक फेंसिंग में हम किसी बड़े, इसमें बहुत ही लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, जस्ट लाइक जिसमें कि वो जो पेस्ट हैं वो हमारे प्रोडक्ट से दूर रहें। देन नेक्स्ट है अप्लायंसेस इन कंट्रोलिंग द पेस्ट। हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से अप्लायंस का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले है लाइट रे। बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, लाइट में अट्रैक्ट होते हैं, जिन इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो लाइट ट्रैप के लिए हम कई प्रकार के लाइट ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंसेंडेंसेंट लाइट ट्रैप या फिर मरकरी वेपर लैम्प लाइट ट्रैप या ब्लैक लाइट ट्रैप। इस प्रकार के लाइट ट्रैप हम अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पे। नेक्स्ट है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन एक सेक्स हार्मोन होता है जो कि मेल इंसेक्ट फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर फीमेल मेल को अट्रैक्ट करने के लिए सीक्रेट करते हैं। इसी फेरोमोन का सिंथेटिक फॉर्म साइंटिफिकली तैयार करके, लैब में तैयार करके उनके कंट्रोल के यूज़ कर सकते हैं उनके ट्रैपिंग के लिए। नेक्स्ट है येलो स्टिकी ट्रैप। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं येलो कलर से अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। मेनली वाइट फ्लाई एफिड थ्रिप्स जैसे छोटे जो पेस्ट होते हैं, माइन्यूट पेस्ट होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैट ट्रैप। बैट ट्रैप दैट मीन्स उनके खाने के लिए कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल को हम बैट में डाल के उनको खाने के लिए देते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं। देन नेक्स्ट है पिट फॉल ट्रैप। पिट फॉल ट्रैप एक प्रकार का हम गड्ढा खोद देते हैं, उसमें उस गड्ढे में हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स आके उसमें गिर जाते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट है पोप ट्रैप। पोप ट्रैप जो है मेनली स्टोर्ड ग्रेन जो पेस्ट होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन में जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनको ट्रैप करने के लिए प्रॉप ट्रैप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एमरजेंस ट्रैप। एमरजेंस ट्रैप जो है बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट सॉयल में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो उनकी एमरजेंस को रोकने के लिए हम एमरजेंस ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। एमरजेंस ट्रैप जो होता है इंसेक्ट पेस्ट के प्यूपेशन से जस्ट बाहर निकलते ही उनको वहीं ट्रैप कर ले जाता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर डिवाइस फॉर पल्सेस बीटल डिटेक्शन। इसमें भी हम एक प्रकार से प्रोब का यूज़ करते हैं, स्टोर्ड ग्रेन या स्टोर्ड पल्स में हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कौन सा इंसेक्ट पेस्ट हमारे स्टोर्ड ग्रेन में आ गए हैं। गाइस नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। केमिकल मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल में हम बहुत सारे अलग तरीके के केमिकल्स, अलग प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करके पेस्ट का कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स इज टर्म्ड इज केमिकल कंट्रोल। बट केमिकल पेस्टिसाइड्स होते क्या चीज़ हैं, तो पेस्टिसाइड्स वे केमिकल्स होते हैं जो कि कीड़ों को, पेस्ट को
मारने की क्षमता रखते हैं, उनकी मारक क्षमता रखते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। एक जो आइडियल इंसेक्टिसाइड्स है उसमें बहुत सारे गुण होने चाहिए जिसका हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमारे लिए चीपर होनी चाहिए, चीपर फॉर चीपर इन प्राइस, क्योंकि जो फार्मर होता है हाई बेनिफिट के लिए ही, लो कॉस्ट और हाई बेनिफिट के लिए ही अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड्स होता है वो चीपर होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है एन आइडियल इंसेक्टिसाइड शुड पजेस अब फॉलोइंग क्वालिटीज़, किल द टारगेटेड इंसेक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली। जो टारगेटेड इंसेक्ट्स होता है उसको क्विकली मारने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेस टॉक्सिक फॉर नेचुरल एनिमीज़, जो नेचुरल एनिमीज़ पहले से एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं उनके लिए टॉक्सिक नहीं होने चाहिए या फिर कम टॉक्सिक होने चाहिए। उसके अलावा जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेजम्स होते हैं या पॉलिनेटर्स होते हैं जस्ट लाइक हनी भी एट्सेट्रा, उनके लिए भी लेस टॉक्सिक या फिर अनटॉक्सिक होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैमल्स हैं या फिर ह्यूमन हैं उसके लिए भी टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। लेस हैजार्डस एंड लेस टॉक्सिक ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड एक्सीडेंटल कंज्यूमिंग बाय ह्यूमन बींग, देन क्विकली डिग्रेडेबल इन इन्वायरमेंट एंड शुड बी लेस परसिस्टेंट। ये जो है इन्वायरमेंट में इजली और क्विकली डिग्रेडेबल होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, अगर उनकी परसिस्टेंसी अगर ज़्यादा रही तो उन पे मैमल्स पे, ह्यूमंस पे या अलग अलग ऑर्गन्स पे इनका साइड इफेक्ट या फिर कह सकते हैं निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। शुड हैव अ कम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन विच रेजिस्टेंस डेवलपमेंट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी डेवलप करते हैं रेजिस्टेंसी अपने अंदर में, जस्ट लाइक मॉस्किटो। तो जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल मोड ऑफ एक्शन हो तो उस कंडीशन में इंसेक्ट्स जो है बहुत जल्दी उससे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन होने से उनमें जो रेजिस्टेंसी है जल्दी से नहीं हो पाती। जस्ट लाइक एजाडिरेक्टिन फ्रॉम नीम ट्री हैज़ कॉम्प्लेक्स एक्शन, एजाडिरेक्टिन जो है कॉम्प्लेक्स एक्शन दिखाता है, जस्ट लाइक ये सिस्टेमिक भी है प्लस कॉन्टैक्ट भी है। नेक्स्ट है शुड हैव अ लॉन्गर स्टोरेज लाइफ एंड सेल्फ लाइफ, दैट मीन्स हमको केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को अधिक समय तक स्टोर करके रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होनी चाहिए। इट हैज़ एडवांटेजेस टू सेलेक्ट एन इंसेक्टिसाइड विच कैन किल अ रिलेटिवली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टारगेट पेस्ट, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। दैट मीन्स ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इसके मुकाबले जो बेनिफिट है अधिक होनी चाहिए और यूज़ करने में सेफ होनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स अलग अलग समय में अलग अलग जनरेशन के इंसेक्टिसाइड्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड 1939 टू 1942 जिसमें BHC और DDT का इन्वेंशन हुआ। देन सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड 1945 टू 1947, इस काल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बोमेट्स ग्रुप के इंसेक्टिसाइड्स का इन्वेंशन हुआ। देन थर्ड जनरेशन में 1961 में हार्मोनल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक जुवेनाइल हार्मोन मिमिक, जो कि इंसेक्ट्स के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। देन फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड में सिंथेटिक पैराथ्रॉइड, सिंथेटिक पैराथ्रॉइड जो है पैराथ्रॉइड ग्रुप ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स हैं सिंथेटिक पैराथ्रॉइड, ये 1970 से अब तक अभी चलते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के क्लासिफिकेशन की। तो इंसेक्टिसाइड्स जो है अलग अलग तरीक़ों से उनके मोड ऑफ एक्शन, उनके मोड ऑफ एंट्री और केमिकल नेचर
और टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले उनका क्लासिफिकेशन उनके यूजफुलनेस के अकॉर्डिंग उनके क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले है एकेरिसाइड्स। एकेरिसाइड्स ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि माइट्स और टिक्स को मारने के काम आते हैं, जस्ट लाइक कार्बोफेनोथियॉन। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को मारते हैं, एग्जाम्पल है इनके कार्बोफ्यूरॉन, मैलाथियन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फंगिसाइड्स जो कि फंगस को मारने का काम करते हैं, प्लांट ऐसे फंगस जो प्लांट में डिजीज फैलाते हैं उनको मारने का काम करते हैं, जस्ट लाइक मैनकोजेब या मिनेब। नेक्स्ट है हर्बिसाइड जो कि वीड्स को मारने का काम करते हैं, जस्ट लाइक 2,4-D या डाइकॉट, पैराकॉट, MCPA एट्सेट्रा। देन है निमेटिसाइड। निमेटिसाइड दैट मीन्स जो निमेटोड्स को मारते हैं। देन रोडेंटिसाइड जो कि रोडेंट्स जस्ट लाइक रेट, चूहे एट्सेट्रा को मारते हैं। अब है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन के आधार पे इंसेक्टिसाइड्स को हम तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉन्टैक्ट पॉइजन, ऐसे पॉइजन जो कि इंसेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने पे, जिसके कॉन्टैक्ट में आने से इंसेक्ट्स मर जाते हैं, जस्ट लाइक कार्बेरिल। ऐसे इंसेक्टिसाइड ये जो कॉन्टैक्ट पॉइजन होते हैं इंसेक्ट्स के रिप्रोडक्शन सॉरी रेस्पिरेशन एट्सेट्रा को ब्लॉक करते हैं, या फिर उनके जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको गला देते हैं, क्यूटिकल को डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स मर जाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टेमिक पॉइजन, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिनको इंसेक्ट्स खाते हैं तो उनके या फिर ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिसको पहले प्लांट टिश्यू एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट टिश्यू को कंज्यूम करने से इंसेक्ट्स मर जाते हैं। नेक्स्ट है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स एक्ट्स बाय इट्स वेपर एक्शन, जो कि एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड का, या फिर फ्यूमिगेंट्स एक्ट बाय इट्स वेपर एक्शन, एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे फर्स्ट इंसेक्टिसाइड इज बॉटनिकल कंपाउंड। बॉटनिकल कंपाउंड्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम प्लांट से सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट से निकालते हैं, जस्ट लाइक एजाडिरेक्टिन हमें नीम से प्राप्त होता है, निकोटीन हमें तंबाकू टोबैको के प्लांट से प्राप्त होता है, वैसे ही पैराथ्राइड जो कि हमें क्राइसेंथिमम के प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमें अलग अलग पेट्रोलियम से या फिर किसी प्रकार के हम केमिकल से हम उसको सिंथेटिक रूप से हम तैयार करते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ऑर्गेनोक्लोरीन्स के एग्जाम्पल हैं DDT या फिर एल्ड्रेन। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफास्फेट ग्रुप। ऑर्गेनोफास्फेट में फास्फोरस ग्रुप के जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोमेट्स जो कि स्ट्रक्चरली इस्टर्स या फिर अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड से बनते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कंपाउंड। माइक्रोबियल कंपाउंड में हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग माइक्रोब से हमें प्राप्त होता है, जस्ट लाइक बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बैसिलस थुरिंजिनेसिस से हम बीटी कॉटन तैयार करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि इंसेक्ट्स के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक पैराथ्रोइड। सिंथेटिक पैराथ्रोइड दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बेस्ड मैकेमिकल्स। गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।